साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की आभा और सुंदरता देखने लायक है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन चांद की खूबसूरती को देखने के लिए देवतागण भी आसमान से धरती पे आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और हर घर में जाकर देखती हैं कि कौन कौन इस रात को देवतागण का पूजन और देवी माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहा है। शरद पूर्णिमा की रात को देवी माँ लक्ष्मी को मनाने के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी शरद पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है और इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए और भी शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, तो आइए देखें। मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। साल 2022 में पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि 3:41 से दोपहर में शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर को 2:24 तक रहेगी। पूर्णिमा की रात को खीर बनाया जाता है और इस खीर को पूरी रात चांद की रोशनी में खुले में ही रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद से जो अमृत बरसता है उसका अंश इस खीर में भी आ जाता है। आर्थिक संपन्नता, सुख शांति, समृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा की रात को जागरण किया जाता है। जब आप शरद पूर्णिमा की रात को देर तक जगें तो आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ का नाम जपते रहना चाहिए। देर तक जगने वाली रात होने की वजह से इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी कि रात को देर तक जगने वाली पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजन करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात को तथा उपलब्ध सामग्री और तथा ज्ञान के अनुसार आपको पूरी श्रद्धा से विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी को भोग लगाएं और दीप जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी का पूजन और जाप भी करना चाहिए। पूजा करते वक्त आप माँ लक्ष्मी को सुपारी जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को सुपारी अति प्रिय होती है। सुपारी पर पूजा करने के बाद आप उसमें लाल धागा बांधें और उस सुपारी को पूरे साल के लिए अगली शरद पूर्णिमा तक के लिए अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके घर में धन धान की कमी कभी नहीं होगी। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी का पूजन करने से हर तरह के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन हनुमान जी के लिए चौमुखी दिया भी जलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात के बाद अगली सुबह जो आपने खीर रात भर रखी है चांद की रोशनी में, वो प्रसाद की तरह जरूर खानी चाहिए। उसको खाने से हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो ये है कुछ काम जो कि आपको शरद पूर्णिमा की रात को जरूर करने चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूरे मन से पूजन और स्वागत जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।